नमस्कार, निधिगर कलाकृति में आपका स्वागत है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका पालक पनीर या तो हरा नहीं बनता या फटाफटा बनता है, तो आइए मेरे साथ बनाइए हरा भरा और जायकेदार पालक पनीर। इसके लिए आपको चाहिए पालक दो गड्डी, दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए, लाल मिर्च आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, लहसुन की 5-6 कलियां बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ती ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, 1 बड़े नींबू का रस, 2 चम्मच बेसन या कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच तेल, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 चम्मच चीनी। सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और आइए बनाएं पालक पनीर। मैंने पालक को अच्छे से धो लिया है और एक जगह रख लिया है। अब इस धुले हुए पालक को आप मोटा मोटा काट लीजिए और तब तक एक बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए। अब इस पालक को उबलते हुए पानी के अंदर डाल दीजिए। इसे हमें उबले हुए पानी में 2 मिनट ही रखना है, क्योंकि हम इसे उबाल नहीं रहे हैं, हम इसे ब्लांच कर रहे हैं। इसे ढक दीजिए और अब इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए। इससे पालक का ग्रीन कलर मेंटेन रहेगा। देखिए 2 मिनट के बाद इसको आप ठंडे पानी में डाल दीजिए। इस क्रिया को ब्लांचिंग बोला जाता है। अब मैं इस ठंडे पानी में से इस पालक को निकाल लूंगी। और इसमें आप अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालिए और ब्लेंडर या मिक्सी की सहायता से इसकी प्यूरी तैयार कर लीजिए। देखिए ये प्यूरी तैयार है। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालिए। तेल गरम होने पर इसमें आप प्याज डाल दीजिए। प्याज को भूनिए। यहाँ हम लहसुन अदरक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे ऑलरेडी प्यूरी में डाल चुके हैं। जब प्याज अच्छे से भुन जाए तब इसमें आप धनिया पाउडर डालिए, लाल मिर्च पाउडर डालिए, नमक स्वाद अनुसार डालिए। नमक थोड़ा हल्का ही रखिए, क्योंकि पालक में थोड़ी सी नमक की मात्रा होती है। जब मसाला भुन जाए तब आप पालक की प्यूरी इसके अंदर डाल दीजिए। अब इस प्यूरी को आप 2-3 मिनट तक अच्छे से हिलाइए और ढक कर रख दीजिए। जब इसमें उबाल आने लगे तब आप इसे फिर से मिलाइए। और अब जो हमने बेसन या कॉर्नफ्लावर लिया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट में लम्ब नहीं होने चाहिए। और अब इस पेस्ट को हम इस पालक के अंदर डाल देंगे। बस इसको डालते हुए ध्यान रहे कि आप इसे लगातार चलाएं, जिससे कि इसके अंदर लम्स या गांठे ना पड़े। 2-4 मिनट पकने दीजिए और अब इसमें पनीर के क्यूब्स डाल दीजिए। मैंने पनीर कच्चा डाला है, आप पनीर को सॉटे करके भी डाल सकते हैं। अब एक नींबू लीजिए और इसका रस इसके अंदर डाल दीजिए। जब आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो पालक एकदम हरा रहता है, इसलिए हमने यहाँ टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि टमाटर डालने से पालक की सब्जी काली हो जाती है। लीजिए आपका हरा भरा जायकेदार पालक पनीर तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली स्लाइड में हमारे कुछ और लिंक्स दिए हुए हैं, इन्हें भी जरूर देखें और अप्रिशिएट करें। थैंक यू एंड एंजॉय ईटिंग।